बॉलीवुड अभिनेता आमिर खान को फिल्म इंडस्ट्री का मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहा जाता है, लेकिन पिछले कुछ समय से बॉलीवुड में बड़े बड़े सुपरस्टार्स की फिल्में भी बॉक्स ऑफिस पर धराशायी हो गई। हाल ही में अभिनेता आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा रिलीज के चंद दिनों में ही बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिट गई। फैंस ने इस फिल्म को बुरी तरह नकार दिया। अब फिल्म निर्देशक राम गोपाल वर्मा ने लाल सिंह चड्ढा के बॉक्स ऑफिस फेलियर पर अपनी राय दी है। उन्होंने कहा है कि किसने सोचा था कि आमिर खान की फिल्म का इतना बुरा हाल होगा। राम गोपाल वर्मा ने बॉलीवुड हंगामा को दिए इंटरव्यू में कहा कि सिर्फ क्रिटिक्स ही फिल्म को सीरियसली देखते हैं, यही वजह है कि अब ये पता लगाना काफी मुश्किल हो गया है कि ऑडियंस को क्या चीज सबसे ज्यादा अपलिंक्स लगेंगी। अब दर्शकों का बिहेवियर फिल्मों को लेकर बदल गया है। उन्होंने कहा कि बॉक्स ऑफिस के मौजूदा हालात को देखिए, किसने सोचा था कि आमिर खान की फिल्म का इतना बुरा हाल होगा। अगर आमिर खान को नहीं पता कि हिट फिल्म कैसे बनानी है तो बाकी लोगों का क्या होगा। राम गोपाल वर्मा ने इन दिनों OTT पर हिट हो रही फिल्मों और कंटेंट पर भी खुलकर बात की। उन्होंने कहा, कई लोगों को OTT एक खतरा जैसा लगता है, लेकिन मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यूट्यूब खतरनाक है, क्योंकि यूट्यूब पर कई तरह की वीडियोस होती हैं। एक वेल पैकेज न्यूज से लेकर फनी कॉमेडी वीडियोज तक वायरल रहती हैं। उन्होंने बताया था कि वो फिल्में देखने के लिए अब सिनेमा नहीं जाते। उन्हें और उनकी पत्नी को OTT प्लेटफॉर्म ज्यादा आरामदायक लगते हैं। खैर, आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा की बात करें तो यह फॉरेस्ट गेम्स का हिंदी रिमेक है। इस फिल्म से आमिर खान ने 4 साल बाद कमबैक किया था, लेकिन दर्शकों को यह फिल्म पसंद नहीं आई। फिल्म की कहानी ऐतिहासिक थी, साथ ही फिल्म को बॉयकॉट का भी झेलना पड़ा। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाई नहीं कर पाई। इस फिल्म के अलावा हालिया रिलीज लाइगर भी फ्लॉप हो गई। अक्षय कुमार की रक्षाबंधन फिल्म को भी दर्शकों ने नकार दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।